तो वंडर वुमन की नई मूवी डीसी के सुपर हीरो यूनिवर्स यानी कि द वर्ल्ड्स ऑफ डीसी के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि डीसी की पिछली दोनों मूवीज एक्वामैन और शज़ाम काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। और वंडर वुमन 84 के नए ट्रेलर के आने के बाद फैंस भी बहुत ज्यादा हाइप अप हो चुके हैं इस मूवी के लिए। वेल, इस ट्रेलर में बहुत कुछ रिवील किया गया, बट जिस चीज ने सभी फैंस का ध्यान खींचा वो था वंडर वुमन के सबसे ओल्डेस्ट विलन चीता। तो वंडर वुमन के सबसे ग्रेटेस्ट और पुराने विलन्स में से एक होने की वजह से चीता बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वेल, इनफैक्ट ये तो क्लियर है कि इस मूवी में हमें इसकी ओरिजिन जरूर देखने मिलेगी, बट ये तो मूवीज की बात है, नहीं कॉमिक्स में चीता एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग विलन है जो कि वंडर वुमन को काफी ज्यादा तकलीफ दे चुकी है। तो चलिए बात करते हैं इस अमेजिंग विलन की ओरिजिन स्टोरी की और जानते हैं इससे जुड़े कुछ अमेजिंग बातें। सो हे देयर एंड वेलकम टू द डार्क साइड। तो ये कहानी है इंग्लैंड की, जहाँ पर बारबरा मिनर्वा का जन्म होता है। वो बचपन से ही ग्रीक मैथोलॉजी की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होती है और उसकी माँ के डेथ के बाद वो काफी ज्यादा अकेली हो जाती है। और इसी समय उसे पता चलता है अमेज़न्स के बारे में और उसे उनसे लगाव हो जाता है। पर उसके पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे बताते हैं कि ये सब झूठ है और पूरी दुनिया बहुत ज्यादा जालिम और झूठी है, जिसकी वजह से बारबरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है। समय बीतता है और बारबरा 26 की एज में 2 PhDs लेकर एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट बन जाती है। पर फिर भी बारबरा के मन में उसे ऐसा लगता है कि अमेज़न्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और जब ये बात वो अपने कलीग्स को बताती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। पर फिर भी बारबरा अपनी रिसर्च को जारी रखती है और जल्द ही उसके हाथ एक सॉलिड क्लू लगता है अमेज़न्स की एग्जिस्टेंस को लेकर, जो की होती है लाइसीपी की कबर। अब लाइसीपी अमेज़न्स की 12th क्वीन होती है और ये बारबरा को पता होता है, जिसे देखकर वो ये ठान लेती है कि अब कुछ भी हो जाए वो अमेज़न्स को ढूंढ कर ही रहेगी। सो जैसे जैसे बारबरा कबर की जांच करती है, बाहर तूफान आने लगता है, इसकी वजह से वो कबर टूटने लगती है और बारबरा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल पाती है। अब बारबरा ये तो जान चुकी थी कि अमेज़न्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए वो अपना पूरा फोकस अमेज़न्स को ढूंढने में लगा देती है। और एक रात जब वो एक बार में बैठी होती है, तभी उससे मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है विक्टर युकुविक। बारबरा उस वक्त बहुत ज्यादा नशे में होती है, जिसकी वजह से वो उसी बार में सो जाती है। और अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके रिसर्च के कुछ डॉक्यूमेंट्स विक्टर चुरा कर ले गया है। बारबरा जल्द से जल्द विक्टर को ट्रैक करती है और वो उसका पीछा करते करते पहुंच जाती है ट्यूनिशिया। और वहां पर आने के बाद बारबरा को बहुत ज्यादा अलग लगने लगता है और उसे लगता है कि वो जैसे अमेज़न्स का ही पीछा कर रही है। पर इन सभी चीजों को वो जल्द से जल्द अपने दिमाग से निकाल देती है और पूरा फोकस विक्टर को ढूंढने में लगा देती है। पर जल्द ही बारबरा को विक्टर की लाश मिलती है और उसके चेस्ट पर किसी तरह के अजीब मार्क्स होते हैं। तभी पास खड़ी एक बूढ़ी औरत बारबरा को ये बताती है कि उन मार्क्स का मतलब होता है कि वो ऐसी जगह पर चला गया है जहां उसका स्वागत बिल्कुल नहीं होता है। और इस सभी की वजह से बारबरा बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है और बाद में वो रियलाइज करती है कि वो पहले से ही गलत थी, वो पहले से ही एक गलत दिशा में रिसर्च कर रही थी। और उसे ये नहीं देखना चाहिए कि अमेज़न्स आखिर कहाँ गए, बल्कि उसे ये देखना चाहिए कि वो आखिर आए कहाँ से। बारबरा सभी सबूतों को इकट्ठा करती है और ब्लैक सी के एक बंजर आइलैंड पर पहुंच जाती है, पर वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हताश हो जाती है और इस सभी प्लान को वो ड्रॉप कर देती है और फाइनली एक यूनिवर्सिटी में एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह पढ़ाने लगती है। और इसी दौरान वंडर वुमन यानी कि डायना भी स्टीव के साथ यूएस में आ जाती है और जल्दी यूएस गवर्नमेंट बारबरा को हायर करती है वंडर वुमन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। अब डायना और बारबरा दोनों ही साथ रहने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बारबरा डायना को ह्यूमन कल्चर के बारे में सिखाती है और डायना उसे अमेज़न्स के कल्चर और ट्रूथ के बारे में बताती है। इस सब के बीच वेरोनिका केल बारबरा से कांटेक्ट करती है और उसे अफ्रीका में एक प्लांट गॉड के रिसर्च के लिए भेजती है, जिसका नाम होता है अर्ज़कर्तगा। यस, आई नो इट्स अ वियर्ड नेम, बट सह लेंगे थोड़ा सा। अरे, पर वहाँ जाने से पहले डायना बारबरा को एक GPS ट्रांसमीटर देती है और उसे बताती है कि जब उसे मदद की जरूरत पड़े तब वो उसे बुला सकती है। पर सीक्रेटली वेरोनिका इस GPS ट्रांसमीटर को डीएक्टिवेट करा लेती है और डायना को बारबरा से दूर रखने के लिए वेरोनिका कुछ नकली क्राइम्स और डिजास्टर भी प्लान करती है, ताकि डायना को वो वहां पर बिजी रख सके। और दूसरी ओर बारबरा अफ्रीका में अर्ज़कर्तगा को ढूंढ लेती है, पर अफ्रीका में ये माना जाता है कि द प्लांट गॉड यानी कि अर्ज़कर्तगा सबकी मदद करता है और जो सच्चा होता है उसके साथ अच्छा होता है और जो झूठा होता है उसके साथ बुरा होता है। पर इस प्लांट गॉड को एक वाइफ की जरूरत होती है,
और उसके फॉलोअर्स बारबरा को उसके सामने पकड़ कर लाते हैं ताकि उन दोनों की शादी हो सके। पर जब बारबरा की शादी अस्कर तगा से हो रही होती है तब उसे पता चलता है कि बारबरा एक्चुअली वर्जिन नहीं है, जिसकी वजह से वो उसे श्राप दे देता है। और उस श्राप की वजह से बारबरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बीस्ट में, जिसे हमेशा ह्यूमन फ्लैश की भूख लगी होती है। तो जब डायना सभी फेक क्राइम्स और डिजास्टर को खत्म करके बारबरा से मिलने जाती है अफ्रीका में, तब वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि अब उसकी सबसे क्लोज दोस्त एक चीता बन चुकी होती है। और जब बारबरा डायना को वहां पर देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने इस रूप की वजह वंडर वुमन को ठहराती है। और डायना भी बारबरा की इस कंडीशन के जिम्मेदार खुद को ही मानती है। लेटर हमें ये भी पता चलता है कि बारबरा अपने पास्ट की यादें भुलाने लगी है और वो लिटरली ट्रांसफॉर्म होने लगी है एक ह्यूमन चीता में, और वो फाइनली बन जाती है वंडर वुमन की सबसे ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक, जो कि है चीता। सो ये रही चीता की कॉमिक बुक ओरिजिन। तो अगर आप लोग चीता के बारे में और जानना चाहते हैं और आप बस शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप वंडर वुमन इशू 7 जरूर देखें, क्योंकि वहीं पर चीता का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था। तो बस ये रही आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही साथ मुझे फॉलो कर देना इंस्टा, ट्विटर, FB और हेलो ऐप पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो में। Until then, this has just been the Dark Side Boss.